हेलो फ्रेंड नमस्कार। आज मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत भाई क्वेश्चन है कि पॉलिटेक्निक ज्वाइन करने में कौन कौन सी बेस्ट ब्रांचेस हैं जो उनको गवर्नमेंट जॉब गेन करने में मदद कर सकता है और प्राइवेट जॉब गेन करने में मदद कर सकता है, और कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि वो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी बेस्ट ब्रांचेस हैं पॉलिटेक्निक में, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। वेलकम बैक इन योर चैनल, लेट्स स्टार्ट। सर फर्स्ट नंबर पे है गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब गेन करनी है तो पॉलिटेक्निक की सबसे अच्छी ब्रांच है मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल, उसके बाद है हमारी सिविल। इसकी बहुत अच्छी वैकेंसीज के साथ जॉब निकलती है हमारे स्टेट लेवल पर, आरआरबी में निकलती है, एससी में भी निकलती है, जेई में भी निकलती है, पीएसएस में भी और मेट्रो में भी। इनकी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। और सेकंड नंबर, अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट ब्रांचेस हैं वो भी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है। बिकॉज आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि सब कुछ जो मशीनें हैं वो मैकेनिकल है, कंपनी में जो भी काम हो रहा है, लेक मशीन और कटिंग मशीन, एवरीथिंग इज मैकेनिकल। तो मैकेनिकल की बहुत ज्यादा अच्छी वैकेंसी निकलती है, जैसे हमारी मारुति, होंडा, टाटा, मिंदा इंडस्ट्रीज और जो भी इनकी ज्वाइंट वेंचर कंपनी होती है वहां पे मैकेनिकलों की बहुत अच्छी वैकेंसी निकलती है। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल, तो जो भी मैंने कंपनी का बताया, मारुति, होंडा, इन सब में जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां होती है इलेक्ट्रिकल का काम होता है, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियनों के लिए, इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए बहुत अच्छी वैकेंसियां निकलती हैं। उसके बाद सिविल है। सिविल में थोड़ा स्कोप अब थोड़ा कम होते जा रहा है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन काम है वो उतना अच्छा है नहीं, पर जो भी है क्योंकि अब के टाइम में जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए सभी चीजों को मैकेनिकल को भी कंट्रोल करा जा रहा है ताकि सब कुछ कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिकल में। जब कुछ सब कुछ इलेक्ट्रिकल में हो जाएगा तो पॉल्यूशन जो होगा गाड़ियों से निकलना कम हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल वाले बंदों के लिए अच्छी वैकेंसी निकल रही है। और जो लिफ्ट जो कंपनी होती है, लिफ्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है करती है, वहां पे भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। और सिविल वालों के लिए जहां भी कंस्ट्रक्शन काम है, जहां भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, हाउस बिल्डिंग है, कंपनी बिल्डिंग है, तो वहां पर उनके लिए अच्छा स्कोप देखने को मिलता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर थर्ड नंबर पे जो है, अगर आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्रांच है जो आपको खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए मदद कर सकती है। जो अगर आप मैकेनिकल से करते हैं तो मैकेनिकल में भी आपको अच्छा स्कोप मिल जाएगा खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास ऑटो स्पेयर पार्ट की नॉलेज है तो आप जो भी हमारी गाड़ियां होती हैं उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कार्स के स्पेयर पार्ट, बाइक के स्पेयर पार्ट, खुद का एक शॉप खोल सकते हैं और खुद की बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और खुद का बिजनेस ओनर बन सकते हैं। और अगर आपने इलेक्ट्रिशियन कर की है तो इलेक्ट्रिशियन में क्या होगा कि आप खुद की जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, गैजेट्स होते हैं, वो खुद उनके पहले में आपको पहले मार्केटिंग नॉलेज लेनी पड़ेगी, एक साल डेढ़ साल आपको मार्केटिंग में नॉलेज लेगा, गेन करने के बाद आप खुद का ही खुद की एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं मार्केट में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सिविल से किया है और तो सिविल में भी बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है खुद के बिजनेस सेटअप करने की, ताकि क्योंकि आप खुद का ऑफिस खोल सकते हैं जहां पर आप खुद ओनर बैठे हुए हैं और लोगों को उनके जो भी एरिया होते हैं वहां पे बिल्डिंग कैसे बनानी है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि वो गेन करके अपने हिसाब से बिजनेस और अपनी जो कंपनी की बिल्डिंग होती है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देकर खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक कंप्लीट करी है तो जो कंप्यूटर साइंस से आते बंदे होते हैं वो खुद का बिजनेस तो सेटअप कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा स्कोप होता है उसके अंदर, पर थोड़ा उनको जॉब गेन करने में दिक्कत होती है। पर अगर आप खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप वेबसाइट बना सकें, ग्राफिक कर सकें, और फ्रीलांसर नाम की कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी, वहां पर आपको कुछ टास्क दिए आते हैं, आपको जो काम दिए जाते हैं वहां पर खुद की अपनी सेटअप कर सकते हैं कंपनी, वहां पे खुद के लोगों की वेबसाइट बना सकते हैं, फेसबुक पेज को हैंडल कर सकते हैं, तो वहां उस टाइप के आपको ऑफर मिलते हैं अगर आपने कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक कर रखी है। पर आपके पास अच्छा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तभी आपको करना, अगर आपके पास इंटरेस्ट है, डेडिकेशन है, फैशन है उसके लिए, तो
कंप्यूटर साइंस से करना, नहीं तो बाद में मार्केट में जॉब आपको बहुत कम मिलती है उसकी कंप्यूटर साइंस की, पर आप खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं वहां से। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद भी आप कोई और ब्रांच चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं, पर कौन से, पहले आपको ये पूछना है अपने आपसे कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में और कौन से कॉलेज में आप उस ब्रांच को चूज कर रहे हैं, उसको खुद वेरीफाई करना है कि उस कॉलेज में प्लेसमेंट कितनी अच्छी होती है। अगर अब क्योंकि जो जॉब है वो अगर हमने प्लेसमेंट से गेन करी है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, पर अगर मार्केट से जॉब ढूंढना चाहते हैं कि मैं मार्केट में अगर ढूंढ लूंगा तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। आपको अपनी सैलरी के साथ भी आप सर्टिफाइड नहीं होंगे, लोकेशन पे भी सर्टिफाइड नहीं होंगे, पर आपको वो सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि आप अगर आप 3 साल अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आपका करियर बन सकता है, पर अगर आपने वहां पे मजाक किया तो आपका करियर खराब भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको, इसलिए आपको अच्छे से पहले अपने आपसे पूछ लेना कि आपको करना क्या है, उसके बाद अच्छी सी जो ब्रांच है वो चूज करनी है, उसके लिए हार्डवर्क करना है 3 साल, उसके अगर आपने अच्छे से किया तो आप अच्छी कंपनी में सेट हो सकते हैं, खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब भी गेन कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन दिया इसके बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर दे एक लाइक, रेड रंग का बटन दबा लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो सके कि पॉलिटेक्निक में कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। थैंक यू गाइस।